क्या ले रही हो? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ खुदा ताला से कि आपको ये भी मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। अब चल के पकाया वीडियो में वहाँ की दिखाती हूँ, थोड़ी बहुत हिस्ट्री है जो मुझे मालूम है वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी और इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा लगेगा पकाया वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम पहुँच गए शाहजहाँ मस्जिद, जो यहाँ के बादशाह थे उन्होंने ये मस्जिद तामीर की थी। और तामीर करने के बाद इस मस्जिद को रेनोवेट करने के लिए पीपल्स पार्टी का भी काफ़ी किरदार था, यानी भुट्टो का, जिनका इंतकाल हो गया। तो आप देखिएगा ये मस्जिद में हम पहुँच गए और इतनी गर्मी में सिर्फ आप लोगों के लिए। प्लीज़ इस व्लॉग को भी सब्सक्राइब लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स अच्छे अच्छे कीजिएगा, क्योंकि मेहनत करूँ। ये ना देखना कि मैं यार एक या दो जोड़े से घूम रही हूँ, क्योंकि मैं लाई साथ अपने एक ही जोड़ा थी। इंशाल्लाह आपको दूसरा भी मेरा इसके बाद दूसरा पार्ट होगा वो भी ज़रूर अच्छा लगेगा। ये तो वन पार्ट है, क्योंकि हम एक दिन में ये सब घूम रहे थे और मैं सारी वीडियो एक साथ अपलोड नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा वन बाय वन करती हूँ। तो देखिएगा ये पार्क कितना खूबसूरत और कितना बड़ा है। यहाँ पे भी हम गर्मी में घूम रहे थे, हम थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे थे ताकि आप लोगों तक ऐसी वीडियो की मालूमात दे सके। ये मेरे पीछे अवेस और उमर आ गया। मैंने पानी था पर वो खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया? हाँ था, सूख गया पानी। जबरदस्त, यह ज्यादातर सिंधी है, यह ज्यादातर सिंधी के सिंधी लोगों की कसरत है ना। बलोची भी है ना, मैं भी। हाँ किसके? हम नमाज पढ़ेंगे, हम यहाँ पे नमाज पढ़ने आई हुई। तो यहाँ पर नमाज भी पढ़ते हैं यार। ये देखो बहुत खूबसूरत लग रहा है, नमाज पढ़ते हैं। ये मेरी सिस्टर जा रही है अभी तो यार। यहाँ पे जूते रखने वाले थे वो कहाँ हैं? यहाँ तो अभी तक नमाज हो रही है। मुगल औरंगजेब ने बनाई थी और आज तक इसकी अभी पता नहीं कि कितना अरसा हुआ है, पर काफी कदीम है और अभी तक साफ है। कैमरा जरा साइड पे यहाँ पे घुमाना, आसपास जरा दिखाना यहाँ के, और उस तरफ भी दिखाओ कैमरा। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और हम आगे जाके इसके कब्रिस्तान है जो इसका महल है। इंशाल्लाह मैं जब आगे जाऊंगी यहाँ पे, जब घूम फिर के, अभी तो नमाज हो रही है, नमाज के बाद जब अंदर जाएंगे, अंदर देखिएगा हाथ से किस तरह इन्होंने नक्काशी की और किस तरह मेहनत की है। और इतना ज़्यादा मुझे इतना मालूम नहीं है, जितना मालूम है थोड़ा। अच्छा, ये बोलने वाले बोलते हैं कि इसके तकरीबन 100 गुंबद है, ठीक है। ऊपर जाने से देखो तो पता चलता है 100 है, और नहीं और नीचे खड़े होने से पता चलता है 100 है ना। यहाँ से आप दूर से देखोगे तो पता चलता है 100 है, और जब ऊपर जाओ तो टोटल 99 है। ये मामला आज तक समझ ही नहीं आया है ये क्या सीन है क्या नहीं है। पर बहरहाल ऊपर अगर मेरे पास ड्रोन होता ना खुदा रहा, मैं वल्लाह इतने ज़बरदस्त शॉट्स बनते इसके, क्योंकि अगर वो कोई अजान देगा ना तो पूरे गुंबद में आवाज़ गूंजेगी। अच्छा, मतलब स्पीकर है ही नहीं इधर? अभी लगवाया, पहले नहीं लगवाया। पहले नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं थी स्पीकर की। अगर आप अभी भी अगर नहीं लगाया हुआ था तो अभी भी बहुत तेज अजान की आवाज आती है। अच्छा अच्छा, ये देखो पहले जमाने की सफाई देखो, कोई मशीनरी कोई सीन पार्ट नहीं, ये हाथों से बनाया हुआ, ये सब हाथों से बनाया हुआ गुंबद, ये मतलब बड़ी बात है इस दौर में। ये चेक करें सारा यहाँ तक, यहाँ पे हो रही है नमाज, नमाज हो रही है अभी तक ख़त्म नहीं हुई और हम अंदर चले गए। ये यहाँ पे वो करते हैं ना वज़ू का है, ठीक हो गया। देखिए ये मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए टूर करने के लिए, ये फ्रांस से आए। बड़ी प्यारी मस्जिद है देखिए, ये उमर खड़ा हुआ है, इसके गुंबद चेक करें। ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे इस साइड हैं, ये सारे
कहते टोटल 99 हैं, ये 100 हैं, ऊपर जाने से देखो तो पता चलता है 99 हैं। अभी अल्लाह जाने ये क्या हिस्ट्री है, देख रहे होंगे आप ये सारे, ये फ्रांस से आए हुए, और ये भी मेरे ख्याल से कोई व्लॉगर है, आई थिंक सो। बादशाहों के जमाने का, हाँ बादशाहों के जमाने का, 100 साल, 100 साल हो गए, 100 साल। ये तुम ज्यादा समझे बोल रही हो, मेरी बहन को भी नहीं पता यहाँ पे। अच्छा यहाँ की इतनी इतनी ठंडी है, इतना अच्छा लग रहा है कि दिल चाह रहा है कि यहाँ पे बंदा और यहाँ पर माइक नहीं, आवाज खुद पहुँचती है। ये यहाँ पे देखो, उस जमाने में किस तरह का काम किया होगा, कितनी सफाई से। मैंने ख्याल से आजकल भी ये काम हमें नहीं मिलेगा, ये काफ़ी ये पोसीदा भी हो गया है इसके बाद। अगर थोड़ा बनाने वाले यहाँ को थोड़ा रेनोवेट कर ले तो फिर ऊपर का ये दिखाओ कितना ऊंचा है। जाने के वो डर लगता है यार, और ये बच्चे सब ऊपर जा रहे, गिरोगे आप छत। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको पता है, आपका नाम क्या है? मालूम है, रजब अली नाम है, जो मुझे मालूम है आपको बता रहा हूँ। शाहजहान बादशाह के दौर में मस्जिद बनी है। अच्छा, 400 साल हो गया है। अच्छा, 400 साल, 400 साल। अच्छा, गुंबद है 100 गुंबद, पूरे नहीं होते, 99 होगा या 101 होगा। अच्छा, जो करता है वो नसीब वाला होता है 100 गुंबद, जो नहीं करता है तो सारा, यानी जिसको मिल गया वो नसीब वाला है, जिसे 100 मिल गया। और 3 साल में पूरी मस्जिद तामीर हुई है। 3 साल में
मतलब यहाँ पे कोई वो यूज नहीं किया गया, जैसे बड़े बड़े ट्राले होते हैं, चीजें होती हैं ऊपर रखने के लिए, ये सब हाथ का कमाल है, सीढ़ियों का कमाल है। ये मशीन का दौर का काम नहीं, सारा हाथ की, सारा हाथ का है ना, हाथ इसमें लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा कीरा कच्चा कीरा मीठा मसालेदार पत्थर का काम भुट्टे साहब के दौर में हुआ है ये। अच्छा, भुट्टे साहब के दौर में भी काम अच्छा करा है। पार्क जो आप देख रहे हो ना, ये जी जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। पहले ये फुहारे बुहारे भी चलते थे, ये अभी खराब हो गए। अच्छा, उसके बाद इसका रिपेयरिंग नहीं हुआ, जो भुट्टे साहब ने कराया वो कराया, आप देखे अभी मरीज। और इसमें दूसरी भी बात है, जो अजान देते हैं ना, जी जी, गेट तलक आवाज सुनने आगे बगैर स्पीकर के, ये मैंने सुना था, वो आवाज आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा, सुनने भी यही जो मुझे मालूम है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको ये मेरा व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ। अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, फिर नेक्स्ट व्लॉग होगा इंशाल्लाह मेरा कब्रिस्तान का। और आप सोच रहे होंगे कि राबी ये दो जोड़े में एक जोड़े में घूम रही, ये नहीं सोच रहा क्योंकि मैं आई एक जोड़ा लेके थी और एक पहन के थी। ठीक है, अब तक के लिए मैं अपना व्लॉग यहीं तक ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब।